सबसे पहले आपको मेरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग और ढेर सारा प्यार। मैं कुसुम पाड़ी, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखिए, आज बना रही हूँ मैं मिक्स वेज। तो मिक्स वेज में देखो क्या क्या है। ये है शिमला मिर्च, बीन्स, थोड़ी सी आलू और चौपर की हुई गोभी और गाजर। और इसमें जाएगा थोड़ा पनीर और अब डालूंगी मैं प्याज। अब देखते रहना, एक सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए मैं बनाने जा रही हूँ हींग, जीरा, और एक बड़ा सा प्याज। सिंपल सी रेसिपी है दोस्तों, आप भी आराम से बना सकते हैं और खा सकते हैं। और बहुत लाजवाब, खाने में इतनी लाजवाब है। पनीर भी मिक्स करो तो ज़्यादा और अच्छी लग जाती है। तो आप मेरी वीडियो को जहाँ से, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते करना और देखते रहना दोस्तों। और साथ में कमेंट करना कि अच्छी है कि नहीं, आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी मेरी वीडियो। तो मुझे भी पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो। और मुझे आपके कमेंट जो है ना, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आप कमेंट भी ज़रूर करना, ठीक है। तो इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी। बिना कसूरी मेथी का तो है ही नहीं। ये देखो प्याज भुन गया अच्छे से। अब डालूंगी मैं इसमें टमाटर, इसमें थोड़ा सा ज़रा तेल ज़्यादा पड़ा है क्योंकि मैं बिल्कुल इसमें पानी नहीं डालूंगी। सूखी मैं इसे बनाऊंगी और खाने में लाजवाब आप देते रहिए। तो ध्यान से देखो आप किस तरह से मैं मिक्स वेज बना रही हूँ। देखो ये नहीं है कि अगर टमाटर ज़्यादा भी नहीं गलाने तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें करूँगी मैं थोड़ा सा नमक ऐड, थोड़ा टमाटर भी गलेगा हल्का सा। देखो ठीक है, तो टमाटर इतना ज़्यादा नहीं गलाना, ठीक है, इतना गल गया। अब मैं डालूँगी इसमें धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालना, थोड़ा सा डालूंगी मैं। और इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर और हल्का सा गरम मसाला, खड़े मसाले नहीं डालने क्योंकि ये तरी वाली रेसिपी नहीं है, तो इसमें चलता है बिना खड़े मसाले के। देखो तो हल्के से मसाले भून के और इसमें डालूंगी मैं, ये देखो मसाले भून गए हैं ना, इसमें मैं डाल दूंगी ये चॉप करी हुई सब्ज़ी, देखो मैंने। और इसमें डालूंगी थोड़ा मैं कश्मीरी मिर्च, देखो ठीक है। अब इसमें भी मॉइस्चराइज़र होगा इस सब्ज़ी में, देखो ये मैंने साफ करके धुल दी है मिक्स करके, वो मैंने आपको दिखाने के लिए अलग अलग भाग में दिखाई है आपको। अब इसमें भी पानी है, ये भी पानी छोड़ेगी सब्ज़ी थोड़ा सा। ये देखिए ये जल रहा है, मतलब सब्ज़ी पानी छोड़ेगी अभी, इसी में हमें ये पकानी है, इसमें हमें पानी नहीं डालना है। तो आप देखना पनीर में थोड़ा सब्ज़ी पकेगी ना अभी, फिर डालूंगी मैं, फिर दिखाऊंगी मैं आपको। अब इसको मतलब लो फ्लेम में पकाना है, धीमी आंच में और स्लो आंच में पका के इसमें रख दूंगी मैं ढक्कन। देखो थोड़ा ढक्कन रख दिया इसमें, अब पकती रहेगी। देखो फाइनली सब्जी बन गई है तैयार। और अब मैं ऐड करूंगी इसमें, देखो इसमें हल्का हल्का पानी था तो ये उसी पानी में सब्ज़ी पक गई है। अब मैं इसमें करूंगी पनीर ऐड, क्योंकि पनीर
सॉफ्ट होता है तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट पकाऊंगी मैं इस सब्ज़ी में भी, मिल जाएगा अच्छे से। और तो 2 मिनट मैं इसे पका दूँ। तो सब्जी हो गई है तैयार। इसमें डालूंगी मैं हरी धनिया की पत्ती। तो धनिया जो है आजकल मार्केट में दोस्तों बहुत सस्ता है और आसानी से मार्केट में मिल जाता है, तो क्यों ना हम धनिया से 4 चांद लगा दें सब्जी में, ठीक है। तो आप भी इस तरह से सब्जी बनाना और खाना, और मुझे कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों लीजिए, ये बन हो गई है सब्जी तैयार। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय। हाँ, मिक्स सब्जी बनी है। Yeah, right.